राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लड्डू गोपाल को झूला झुलाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी कौन सी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? सावन में ही लड्डू गोपाल को झूला क्यों झुलाया जाता है? आइए देखते हैं। सुबह की सेवा जैसे होती है वैसे ही होगी। पहले सुबह उनको जगा लें, स्नान करा दें, भोग लगा दें, सुबह दूध पिला दें उनको। उसके बाद में उनका प्यारा से श्रृंगार कर दें, उनकी आरती कर दें। फिर जब आप दूसरा भोग लगा देंगे लल्ला को, तो फिर आपको झूला झुलाना है कान्हा जी को। आप झूला झुलाने से पहले ही उनको अच्छे से भोग लगा दें, ताकि फिर उनको भूख ना लगे। आप एक घंटा झुला रहे हो, दो घंटा झुला रहे हो, वो आपके ऊपर, सुविधा के ऊपर बात है कि आपके पास कितना समय है। 10 मिनट झुला रहे हो, 15 मिनट झुला रहे हो, जितना भी आपके पास टाइम है, तो लल्ला को भूख ना लग जाए, इसलिए उनको पहले अच्छे से भोग लगा दीजिए। उसके बाद में फिर उनको झूला झुलाइए, उनका बहुत सुंदर प्यारा से श्रृंगार करिए। सावन है, सावन में हरियाली होती है, तो कोशिश करें कि ग्रीन टच दें उनको, ग्रीन ज्वेलरी हो या फिर उनकी ड्रेस भी ग्रीन पहना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। रोज़ तो नहीं, पर हफ्ते में 2-3 बार कोशिश करिए कि ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा हम पहनाएँ और उनके मंदिर में ग्रीन डेकोरेशन कर दें। ये सावन में कुछ ज़रूरी बातें बहुत ध्यान रखनी होती है। सावन में राधा कृष्ण जी झूला झूलते हैं, इसलिए उनको झूला झुलाया जाता है। अगर आपके पास राधा रानी जी हैं तो उनको भी झूला ज़रूर ज़रूर झुलाइए। और हमारे कान्हा जी तो झूलेंगे ही, आपके पास बाल गोपाल हैं तो उनको भी झुलाइए। वैसे तो राधा रानी जी और कान्हा जी एक ही हैं, अलग कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो राधा रानी जी की और एक ही समझ कर दोनों को आप आसानी से झूला झुलाएँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और झूले में सुलाना भी नहीं है, ये दो बातें बहुत ध्यान रखें। ना तो झूले में भोग लगाना है और ना ही हमें झूले में उनको सुलाना है, उनको बेड पर ही सुलाएं। कुछ सेवा होती हैं ऐसी जो सावन में अलग चेंज हो जाती हैं, ध्यान रखना होता है। और उनको दूध से भी स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है, दूध का बहुत महत्व है। दूध का स्नान, हमारे भोले बाबा भी दूध से स्नान करते हैं, तो हमारे कान्हा जी को भी दूध से स्नान कराया जाता है। सावन का महीना हमारे विष्णु भगवान, हमारे लड्डू गोपाल जी को भी बहुत प्यारा है। आप भी कुछ इन विशेष बातों का ध्यान रखें। और झूला झुलाते समय अगर आपको कोई सावन का कोई भजन, कोई गाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो सुना दीजिए। बहुत सारे भजन हैं कान्हा जी के भी सावन के, तो बहुत अच्छा लगेगा कान्हा जी को। उनसे झूला झुलाते समय उनसे बातें भी करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। खुश हो जाएंगे हमारे कान्हा जी, और कान्हा जी खुश हो जाएंगे तो हम तो खुद खुश हो जाएंगे। हमारे लल्ला की खुशी में तो हमारी खुशी होती है। देखिए कितने प्यार से झूला झूल रहे हैं हमारे कान्हा जी। मैंने ऐसे डेकोरेट कर लिया है, आप चाहें तो झूले को भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल झूला है तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास भी आती है, उनसे आप अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने करी हुई है। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी सेवा अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को पूरा देखे बिना नहीं जाना। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरी कान्हा जी। आप भी आसानी से सेवा कर सकते हैं अपने कान्हा जी की, ऐसे ही झूला झुलाइए उनको, तो बहुत खुश हो जाएंगे। झूला सेवा सावन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप रोज़ नहीं कर सकते तो अमावस्या, पूर्णमासी, नागपंचमी, हरियाली तीज पर तो ज़रूर झूला झुलाना है कान्हा को। हरियाली तीज का तो बहुत महत्व है। सावन में बहुत सारे त्यौहार आते हैं जिनमें आपको झूला झुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ नहीं झुला सकते, आप वर्किंग हो, काम में ज़्यादा बिजी रहते हो और आपके पास टाइम नहीं है, तो कभी कभी तो 10 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हो हमारे कान्हा के लिए।